अपने कोई जात नूं लैके किसी ने गल की किन्ने की मैंने मैं कल भी तुसा उत्थे गल की सी मीटिंग दे विच कि मेरी जातां बारे गल की जाती। मैं कहा सिंह साहब जी मैनूं यह भी नहीं पता कि तुहाडी जात कि ना मैं कभी जात पात नूं मनदा ही हां अभी तो समझते कि सिख सिखी है मैं तो अजे तक नहीं पता अजे तक भी नहीं पता मैंने वो किस बरादरी संबंध रखते हैं पर मैं समझा कि गुरु के सिख ने तो बहुत सत्कारत ने पर ना ही मेरी बेनती है जसदर साहब गुरु घर आ जाए पता नहीं तुम्हें डर लगता नहीं लगता मैं जरूर डर लगता कई रहा वो कहते ना ज्यादा नेड़े रहने करके डर लग जाता पर गुरु घर आ जाए आपां उत्थे सतगुरु के हजूर अरदास करते हैं और मैं इस गल का ध्यान दूंगा कि कभी तुहाडे परिवार बारे तुहाडा नहीं मेरा परिवार है उहदे बारे जां तुहाडे इस रूप च जिहड़ा तुहाडा माण सन्मान है उहदे बारे मैं कभी जिंदगी च भी सोचा होवे तो सुपने च भी सोचा होवे जां सोच भी सकदा होवां तां मैं देंदे रहूंगा आज गुरु घर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दे कुछ शब्द सुने जिहड़े उन्होंने मेरे मुतलक भावें उन्होंने शब्द नरमाई ना वरते पर शब्द बहुत सख्त वरते जिहड़े उन्होंने मेरे ते दोष लाए मैनू बहुत पीड़ा हुई है पीड़ा मैनू कल भी हुई सी मैं हुक्म मन के भावें प्रवान किया जो मेरे को अकाली दल खोया गया सी वह भी मैं बर्दाश्त कर ली सी पर जिहड़ी पीड़ा अज ज्ञानी हरप्रीत सिंह होर ने यह दोष ला के जिन्हां बारे मैं कभी सुपने च भी नहीं सोच सकता वो लाए ने बड़ा दुख भी होया तो शर्म भी अड़ी आई। मैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां नूं बेनती करना चाहुंदा कि अपने सौ बखरीवें हो सकते मैनूं सौ तुहाडे तों लांभे हो सकते हैं बतौर जथेदार तुहाडा हमेशा सत्कार किया है तुहानू भी पता कि मैं किन्ना तुहानू सत्कार दिंदा रहा है। ठीक है कि जिहड़ी गल दा मैनूं इतराज़ सीगा मैं तुहाडे नाल भी की मैं फिर अखीर ओपन लई की वो मसला अलग छड़ दी उहदा निपटारा हो चुका है मैं प्रमाण कर लिया पर जिस कदर मैं कल भी किया सीगा मैं मीडिया च भी किया सीगा कि जो कुछ होया मैनूं प्रमाण है ये गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे तख्त ते होया ते जे गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा तख्त ते जे मेरे नाल बेइंसाफी होई होई ते किसे ना किसे रूप च डंका वजूगा हुण पता नहीं वो डंका वजिया कि कोई होर डंका वजिया है केड़ी चीज़ दा बोध है ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ते कि कल 9 तो 11 बजे तक जिहड़ा उन्हां दा रूप सी ते अज 30 घंटे बाद जिस तरह के उन्होंने शब्द वरते जमीन आसमान च फर्क है। और मैं ये भी बेनती करना चाहना जथेदार साहब असी तुसी तो साढ़े अपने जी साढ़े जथेदार जी मैं कहना इस दुश्मनों दी धीआं भैणां दा सत्कार करदे मैं तो ताड़ा भी सत्कार करदा ठीक है कि बखरेवें आ अपनी थां ते और कदे शरारत जां जाति तौर ते कोई हमला किसे भी थां ते ना ताड़े ते कीता आ ते ना कदे करन दी सोच सकदा ना तुहाडे परिवार बारे तुसां धमकियां दी गल कीती परिवार दे बारे गल्लां कीतियां और इत्थों तक कि अपने कोई जात नूं लैके किसी ने गल कीती किन्ने कीती मैंने मैं कल भी तुसा उत्थे गल कीती सी मीटिंग दे विच कि मेरी जातां बारे गल कीती जांदी मैं कहा सिंह साहब जी मैनूं यह भी नहीं पता कि तुहाडी जात कि है ना मैं कभी जात पात नूं मनदा ही हां अभी तो समझते कि सिख सिखी है मैं तो अजे तक नहीं पता अजे तक भी नहीं पता मैंने वो किस बरादरी संबंध रखते हैं पर मैं समझा कि गुरु के सिख ने तो बहुत सत्कारत ने पर
पर नाल ही मेरी बेनती है जसदर साहब गुरु घर आ जाइए। पता नहीं तुहानूं डर लगता, मैनूं लगता मैनूं जरूर डर लगता है कि वो कहिंदे ना ज्यादा नेड़े रहने करके डर लग जांदा, पर गुरु घर आ जाइए आपां उत्थे सतगुरु के हजूर अरदास करते हैं। और मैं इस गल का ध्यान दूंगा कि कदी तुहाडे परिवार बारे, तुहाडा नहीं मेरा परिवार है उहदे बारे, जां तुहाडे इस रूप च जिहड़ा तुहाडा माण सन्मान है उहदे बारे मैं कदी जिंदगी च भी सोचा होवे ते सुपने च भी सोचा होवे जां सोच भी सकदा होवां ते मैं देंदे रहूंगा आज गुरु घर। हाँ तुसां गल्लां बड़ियां वड्डियां कीतियां ने, जे तुहाडे कोले कोई मेरी कोई पोस्ट हैगी है मीडिया की, कोई वीडियो हैगी है किसी चैनल के उत्ते, कोई तुहाडी शान के खिलाफ, तुहाडे बच्चियां बारे, तुहाडे जिहड़ी तुसीं जात वाली गल कीती है, मैं तो फिर करन लगे मैनूं शर्म आउंदी है, हाँ जी वो कोई गल कीती है जां तुहानूं डराउण वाली गल कीती है, तो जे तुहाडे कोल कोई सबूत हैगा तो जनतक करो, उन्हां नूं जनतक करो। तो मैं समुचे सिख जगत नूं ते हरेक उस व्यक्ति नूं जिथे भी कितें मेरी यह वीडियो पहुंचूगी मैं स्पष्ट करना चाहुंदा है, गुरु नूं हाजर नाजर जान के कहना कि मैं चाहे किसी का भी परिवार होवे, ते चाहे ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दा परिवार होवे, उन्हां दी धर्म सपत्नी साडी छोटी भैण जां उन्हां दे बच्चे जिहड़े ने साडे ने, साडे अपने ने, इहदे विच है ही नहीं सी, किसी किसी रोल च है नहीं सी। सिंह साहब जी तुसीं हुण बच्चिआं नूं लाया अजे तुसीं पता नहीं होर ही खेडां जी खेडी जांदे जी, इह तां राजनीतिक जिहड़ी गंदी राजनीति करन वाले उह वी नहीं खेडदे, ना करिए इस तरह। उस गुरु दे भाव दे अंदर जो तुसां मैनूं हुकम कीता मैं प्रवान कर लिया, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब दी मोहर लगी सी, प्रवान कीता है। और जे हुण तुहाडे मन दे उत्ते सतगुरु ने कोई बोझ बनाता है ते उस बोझ करके जे तुसीं कोई कदम चुक रहे ते उहदे आस्ते ते मैनूं इवें इधर उधर दा ब्लेम देख ते ना करो। मैं फिर स्पष्ट करना है ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जे किसी ने कोई अजिही शरारत कीती उहनूं नंगियां करो, जे तुहाडे कोल मेरे संबंधी इस संबंधी कोई सबूत हैगा नंगियां करो, नहीं तो कल की जी वीडियोग्राफी वो जारी करवाओ, उसके विच तुसां ये गल कीती सी, पता नहीं किहनूं लैके कीती सी, उत्थे तुसीं मैनूं भी नहीं कहा सी भी तूं कीती है, हाँ जी ते मैं भी कह सकता जे किसी ने की है तो माड़ी गल की, तो मैं होनी नहीं चाहिए, पहले तो गल हो ही नहीं ना मेरे तक कभी यह जो करना आवाज पहुंची, मैं तो कभी देखी नहीं गई, कल भी अपना इस गलू स्पष्टीकरण हो गया से अपना, पर तुसा अच भौं के फिर ये गल की है, तो इन गलों का मैं बेनती करूँगा ये ना किसी का सत्कार नहीं बढ़ता ये ना, हाँ मेरे वाला सत्कार नहीं बढ़ता ये ना, हाँ मेरे वर्ग नूं ठेस जरूर पहुंचती है, शर्म बहुत आती है कि अज वो जथेदार जिन्हां दे धमक दे नाल धरती हिलदी सी, अज जिस रूह दे विच उन्होंने शब्दां की वरतों की है, मैनू बहुत महसूस होया, बहुत शर्म आई। मैं बेनती करूँगा सिंह साहब जी, जिथे तुहाडे परिवार की गल आऊगी, तुहाडी जाति गल आऊगी, तुहाडे कोई ओह जी विरोध वाली गल आऊगी, तुहाडे जिहड़े तुसीं डंड डराउण वाली गल करदे जी, तुहानूं कोई डराउण की गल करूगा विरसा सिंह मलटोहा तुहाडे नाल खड़ा होगा, तुहाडे परिवार नाल खड़ा होगा, आपदियां बच्चियां नाल, आपदे बच्चियां नाल, आपदी छोटी भैण दे नाल खड़ा होगा, जदों आवाज मारोगे उत्थे हाजिर होऊंगा। तो कृपा करके झूठे ब्लेम ना लाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।